अजनाला पुलिस स्टेशन दे विच 16 फरवरी नू 29 नंबर FIR जिहड़ी वरिंदर सिंह दे स्टेटमेंट ते दर्ज हुई सी उहदे बारे कुछ लोकां नू जिन्हां दा FIR दे विच ना सी इन्हां ने लोकल पुलिस नू SSP साहब अमृतसर रूरल नू कॉन्टैक्ट करके FIR दी वेरासिटी बारे डाउट रेस किया कि साडा विच रोल नहीं सीगा गलत एट्रीब्यूट किया सो इस नू असी फेयर तौर पर इन्वेस्टिगेशन कराने की इहदी अश्योरेंस दी गई सी ते उहनां नाल इंगेजमेंट की गई सी जदों उन्होंने कहा कि असी ये बारे मुजाहरा करना चाहते हैं पीसफुल मुजाहरा करना चाहते हैं सो कीपिंग इन व्यू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस पीसफुल मुजाहरा उन्होंने अलाउ किया गया पुलिस ने उन्होंने इंगेज किया जिहड़ी SSP अमृतसर रूरल ने इनफॉर्मेशन दी है कि उन्होंने अश्योर किया गया कि तुसी सानू जिथे रोकोगे असी रुक जावांगे तो असी पीसफुल रहांगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट साडा राइट है इन दिस बैकग्राउंड जिहड़ा कल पुलिस ते अटैक किया गया ते शार्प एज्ड वैपन्स यूज किए गए वट्टे रोड़े चले तो गुरु ग्रंथ साहब पालकी साहब के कवर के पुलिस के उपर अटैक किया गया 6 पुलिस परसन हैव बीन इंजर्ड सो इस बारे मैं यह कहना चाहवागा कि जरा पुलिस ने अटमोस्ट रेस्ट्रेंट नाल काम लेता बिकॉज ऑफ मर्यादा ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हर मनुख हर इंसान गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार करता है सो इस करके इस दे आड़ दे विच पुलिस ते अटैक करना एक बेहद बुजदिल एक्शन है यह कायरता का प्रतीक है सो पुलिस ने अटमोस्ट रेस्ट्रेंट नाल एक्ट किया मैं यह भी दसना चाहवागा कि बहुत सारी ताकतां हैगियां जिहड़े पंजाब नूं डीस्टेबलाइज करना चाहुंदी है पंजाब पुलिस ने पंजाब दे विच पीस एंड हारमोनी पंजाब दे लोकां दी मदद नाल मेनटेन रखी है तो असी अगे भी पंजाब दे विच पीस एंड हारमोनी मेनटेन रखांगे मैं लोगों को अपील भी करांगा कि तुसी स्टेट दे विच हारमनी ते पीस मेंटेन रखो नाले जिहड़े इस तरह के अंसर है जिहड़े माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने मैं सख्त वार्निंग दिता जितों तक कल दे इंसीडेंट का सवाल है असी इस ते एप्रोप्रिएट एक्शन लाँगे वीडियो फुटेज एनालाइज की जा रही साढ़े जिहड़े इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर जुगराज सिंह सीगे आर ऑफिसर्स लेट फ्रॉम द फ्रंट SSP आप बैरीकेड ते सीगे नाल उन्होंने जिहड़े साढ़े SP सीगे ही हैज बीन इंजर्ड विद 11 स्टिचेस तो साढ़े 5 होर मुलाजिम इंजर्ड हुए हैं सो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके असी फर्दर लीगल एक्शन लाँगे देखो जी मैं कहता देखो पहली गल है कि मैं यह समझदा कि जो यूथ हैगे वह भी पंजाबी हैगे साढ़े सिटीजन है सो असी उन्होंने कोई यह दुश्मन नहीं है पाकिस्तानी नहीं है सो असी इंगेज करांगे जिवें मैं कहा कि डायलॉग द पाथ टू डायलॉग इज ऑलवेज ओपन साड़ी जिहड़ी पुलिसिंग हैगी फेयर जस्ट मेरिट बेस्ड देखो जी मैं पहले कहता सीगा कि मैं एक दूजी प्रेस मीट में याद है तरंत मैं कहा मैं 400 थानों का SHO नहीं है तो एज पर लॉ द फेमस कोर्ट ऑफ लॉ डेनिंग इज देयर पुलिस इज अकाउंटेबल टू द लॉ एंड लॉ अलोन एंड लॉ द मैजिस्ट्री ऑफ लॉ द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स If Lovepreet Singh was wrongly nominated in that case and this entire thing took place, why SSP Amritsar Rural is not responsible for that? You see, it is too premature to just do the first of all. You see, as a citizen, as a Punjabi, it is your duty and my duty not to spoil the atmosphere. No, so we will look, as I said, we will analyze the video footage, we will see who attacked the police and we will take action. Law and order situation, law and order, 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 law पुलिस जिदा तुम भी कहा कि पहला सू किया गया कि शांतिमय तरीके प्रदर्शन करना लेकिन सर जो मॉब उत्थे इकट्ठा होया बैरीकेडिंग जी तोड़ी गई पुलिस पहला भी रोक सकती थी क्योंकि जो मॉब इकट्ठा नहीं होता जाएगा देखो जी असी ना जो इंगेजमेंट की इट इज पॉसिबल क्योंकि यह वीडियो फुटेज तो पता लगेगा कि जो तुरे थे किन्ने बंदे से किस पॉइंट से हो सकता है कुछ इस तरह के एलीमेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हो सो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तार
सरेंडर करें, क्योंकि जो आपने जांच के बाद उसको गिरफ्तार किया और एक ही दिन में उसको आप कह रहे कि वो नहीं, जो मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था कि इन्होंने पहले इस कल के इंसिडेंट से 2-3 दिन पहले मुझे भी एक फैक्स मैसेज आया था जिसे मैंने एसएसपी अमृतसर रूरल को मार्क किया था, ये एफआईआर दर्ज होने के इमीडिएटली बाद, इमीडिएटली एफआईआर होने के दर्ज होने के बाद उन तक ये बात चली गई थी कि इसमें कुछ लोगों को रॉन्गली नॉप, तो वो इस सारे मसले को देख You see, it is, I cannot comment on the investigation, so investigation is in progress. No, Punjab police has issued instructions that there would be no photograph of any weapons or even on social media. Then how come Namrit Pal is having all the weapons along with him and he is going on in street of Amritsar? You see, glorification of weapons has been banned by the Punjab government. So you see, there are 3.5 lakh licensed arms in Punjab. Okay, so suppose Mr. X has a licensed arm, so he is going to carry his license arm. So you see, I'm just setting the perspective. You see, we have launched a drive to check all the weapons in the state, so we will check the weapons. धार्मिक सेंटीमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, सो जिवें पालकी साहब गुरु ग्रंथ साहब के आड़ लैके पुलिस से अटैक किया गया, इतने जिवें चंडीगढ़ बॉर्डर से जो निहंग सिंह घोड़े से उन्होंने अटैक करता, सो We are building our capacity to handle such. What are you going to do to boost the morale of Punjab police? Because I suppose with this incident, everybody is feeling that you know they are not in control, and of course anyone can come and do things like that. You see, Punjab police is a very brave force. Just one day before this, we had an encounter with gangsters, and 3 gangsters were neutralized. Sir? Punjab police has faced numerous terrorists. I went to Sarhali police station. This was an attack by our own people, by our unruly mob. So, Sade Thane, the RPG to be attacked. We have handled that situation and come out on top. So, we will maintain peace in Punjab. Sir, यूथ है कितने 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 भड़कता भी है, कुछ गलत आता भी है, यह सारा सारा चीजा जोड़िया चीजा दिखाई हुई देखने लगदिया भी हैं, क्योंकि लगातार डे बाय डे कितने कितने है तुम की यह जो स्पीचिज करने वास्ते रिव्यू करो, क्योंकि कंट्रोल है कि कहते भी हो तो घटो के उपर आप एक्शन भी लै सकते। बाजवा साहब थोड़ी गल ठीक है कि जी हेट स्पीच से असं देखो अगेन फाइन डिवाइडिंग लाइन है, बट असी 100 तो उपर एफ आई आर दर्ज किए हैं फॉर हेट स्पीचेस। अच्छा, ये कई बार जल्दबाजी से साढ़े अफसर ने गलत भी किया, मैं याद है किसी को 8 साल के बच्चे थे, टॉय पिस्टल से भी एफ आई आर अभी दर्ज करती, मतलब वी समटाइम्स पुलिस गोज इन टू ओवर ड्राइव, समटाइम्स कोई चीज़ जिवें तुसीं कह रहे हो वाजिब जिते एक्शन लेना होंदा है उत्थे ओवरलुक हो जाता है। धार्मिक संस्थावां करांगे, सारे धर्मां नूं एंगेज करांगे। सबसे बड़ी बात है आपके 6 पुलिसकर्मी आप खुद कर रहे हैं घायल है, तो कब तक उनको जो घायल किया है जिन लोगों ने वीडियो फुटेज भी, कब तक उनका कार्रवाई? शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे।